हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विकास एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक चीज लेकर आया हूँ आपके माइंड की टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने चाचा चौधरी के बारे में सुना होगा, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी दिमागी पहेलियाँ लेकर आया हूँ, मज़ेदार पहेलियाँ लेकर आया हूँ, जिससे आपके माइंड की भी एक्सरसाइज हो जाएगी कि आपका दिमाग भी चाचा चौधरी की तरह चलता है या उनसे भी तेज चलता है। बड़ा मज़ा आएगा जानने में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एज यूजल छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली वन, मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुझे एक आदमी मिला जिसके 5 लड़के हैं और हर लड़के के पास 8 बोरे हैं और हर बोरे में 8 बिल्लियां हैं और हर बिल्ली के 8 बच्चे, तो कुल मिलाकर कितने लोग मुंबई जा रहे हैं? दोस्तों, आप सोचिए। पहली दो, एक रेगिस्तान में कुछ यात्री ऊंट की सवारी कर रहे हैं। अगर सभी यात्री एक एक ऊंट पर बैठे तो एक यात्री रह जाता है, और अगर दो दो यात्री एक ऊंट पर बैठे तो एक ऊंट रह जाता है। तो बताओ कि कितने ऊंट और कितने यात्री थे? पहली तीन, मान लीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है। आपके पास एक मोमबत्ती, एक स्टोव और एक लालटेन है, और माचिस की तिल्ली एक ही है, तो बताइए सबसे पहले क्या जलाएंगे? मेरे विचार से आपने तीनों पहलुओं को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और हो सकता है आपको उसका उत्तर मिल भी गया होगा। चलिए जानते हैं इन मजेदार पहेलियों के हल। फर्स्ट पहेली का आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि मुंबई तो मैं जा रहा हूं। पहेली दो का आंसर हो जाएगा ऊंट तीन और यात्री चार, और लास्ट पहेली का आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले तो मुझे माचिस की तिल्ली जलानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर आप न तो मोमबत्ती जला सकते हैं, न स्टोव जला सकते हैं और न ही लालटेन जला सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी मज़ेदार हिंदी पहेलियाँ लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।